नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के लखीमपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर की। 3 अक्टूबर को हुए बवाल के बाद अब सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी घमासान के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक SUV किसानों को रौंदती हुई नजर आ रही है। देखिए, लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक SUV पैदल जा रहे किसानों को पीछे से टक्कर मारती हुई साफ नजर आ रही है। देखिए जरा, इस वीडियो में शुरुआत में किसान जाते हुए नजर आ रहे हैं, इसी बीच पीछे से एक SUV आती है और किसानों को टक्कर मारती हुई निकल जाती है। गाड़ी की टक्कर से एक बुजुर्ग किसान बोनट पर गिरता हुआ भी साफ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें बहुत साफ नहीं है, लेकिन कार जिस तरह से टक्कर मारती हुई जा रही है उससे लग रहा है कि उसने कई किसानों को रौंदा है। जो गाड़ी टक्कर मारते हुए गई, वीडियो में उसके पीछे से एक और काले रंग की SUV आती दिख रही है। जी हिंदुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो में गाड़ी कौन चला रहा है ये भी साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये वीडियो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्विटर पर शेयर किया है। ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है और विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखीमपुर हिंसा कांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और खालिस्तान का प्लान डिकोड हो गया है। हिंसा जीवी गैंग ने योगी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का ख्वाब देखा था, लेकिन दंगा गैंग की ललकार ध्वस्त हो गई। ये खुलासा हुआ है कि रविवार को लखीमपुर खीरी में जो हिंसा और बवाल हुआ उसकी साजिश बहुत पहले ही रची गई थी। हिंसा जीवी गैंग की साजिश का एक बड़ा सबूत जो दुनिया के सामने आ गया है, लखीमपुर में हुए बवाल से पहले ललकार किसान नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप खालिस्तानी टास्क फोर्स ने बनाया था। यह इस बात का सबूत है कि हिंसा की पूरी प्लानिंग रची गई और किसानों को भड़काने का काम किया गया। इस ग्रुप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और BJP नेता अजय मिश्र टेनी के कई वीडियो अपलोड किए गए थे। अजय मिश्र टेनी का ये वीडियो 250 लोगों को फॉरवर्ड भी किया गया था। पता चला है कि व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन खालिस्तान टास्क फोर्स का सदस्य है। लखीमपुर मामले में यूपी पुलिस के हाथ तमाम तरह की चीजें लगी हैं, जिनमें एक जानकारी सामने निकल के आई है कि घटना से पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये उस व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट है। ललकार किसान नाम से ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और उस वीडियो को शेयर किया गया था, जिस वीडियो को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी पुलिस अब ललकार किसान नाम के व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन की तलाश कर रही है ताकि साजिश का खुलासा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।